दोस्तों पटना एयरपोर्ट पर बन रहा नया ट्रैफिक कंट्रोल टावर अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। इसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर और क्षेत्रफल वर्तमान टावर से दोगुना होने वाला है। इसके मूल ढांचे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और अब इसे फिनिशिंग टच देने का काम चल रहा है। निर्माण से जुड़े एक वरीय अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और दिसंबर तक इसके चालू होने की संभावना है। नया ATC टावर पूरी तरह डेडिकेटेड ब्लॉक होगा, जहां विमानों पर निगरानी रखने वाले कक्ष के अलावा अन्य दफ्तर नहीं होंगे। यहां अत्याधुनिक सिस्टम लगाए जाएंगे के चालू होने पर विमानों के परिचालन में सुविधा होगी और पटना एयरपोर्ट से 3 मिनट के अंतराल पर विमानों का लैंडिंग और टेक ऑफ संभव होगा, जिसमें अभी 5 मिनट लग जाते हैं। दोस्तों पटना एयरपोर्ट पर नए ATC टावर के साथ साथ निकल ब्लॉक, कार्गो बिल्डिंग और नए फायर स्टेशन का भी निर्माण पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। अक्टूबर तक इसके भी तैयार हो जाने की संभावना है और इस वर्ष के अंत तक ये सभी भवन इस्तेमाल में लाए जाने लगेंगे। चारों बिल्डिंग के निर्माण पर लगभग 26 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। दोस्तों पटना एयरपोर्ट पर काफी संख्या में फ्लाइट्स उड़ान भरती है, लेकिन यहाँ सुविधाओं की काफी कमी देखी जाती है, चाहे वह साफ सफाई से रिलेटेड हो या फिर वेटिंग एरिया। दोस्तों पटना एयरपोर्ट बिहार का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फ्लाइट्स उड़ने वाली एयरपोर्ट है, लेकिन फिर भी यहां पर प्रशासन के द्वारा उदासीन रवैये के कारण यात्रियों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन सुविधाएं काफी कम मिली है। दोस्तों पैसेंजर्स के डिमांड को देखते हुए यहां पर साधन बढ़ाए जा रहे हैं और फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, इसीलिए यह ATC टावर को बनाया जा रहा है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स को यहां से रवाना किया जा सके और एयरपोर्ट पर भीड़ की संभावना ना हो सके। दोस्तों यह न्यूज आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें।